कटनी जिले के बड़वारा इलाके में रहने वाले त्यागी महाराज के द्वारा कई वर्षों से पर्यावरण संरक्षण हेतु नदी की सफाई और अन्य कार्य करके स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। वहीं स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम को सरकार की अच्छी पहल बताते हुए कहा कि हर व्यक्ति को प्रतिदिन अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखने का प्रयास करना चाहिए। स्वर्ग नगरी तीर्थ धाम विलायत कला समिति के संस्थापक त्यागी महाराज ने स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम को सरकार की अच्छी पहल बताते हुए कहा कि एक ही दिन नहीं बल्कि हर रोज प्रत्येक व्यक्ति को अपने आसपास श्रमदान करना चाहिए, विशेषकर उन स्थानों पर जिसे प्रकृति ने स्थापित किया है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को नदियों की हर रोज सफाई करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य के किरणें, नदी वायु ये प्रकृति की अनमोल धरोहर है। इन्हीं की वजह से हर धर्म, हर जाति का प्रत्येक व्यक्ति संसार में जीवित है। इन्हें स्वच्छ और सुरक्षित रखने की हम सभी की जिम्मेदारी है। जिस तरह से माता पिता के लिए अपनी संतान एक सी होती है, उसी तरीके से हमारी नदियां सबके लिए बराबर समर्पण के साथ में वही स्वाद देती हैं, वही ऊर्जा देती हैं। तो अगर प्रयास तो बहुत अच्छा है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, लेकिन एक दिन में काम नहीं चलेगा। और हमारी हर नदियां गंगा हैं, इस बात को हम समझ जाएं तो हर नदियों की रोज़ पूजा होगी। हमको नहाना तो उसी पानी से पड़ेगा, बिल्कुल सही है, हम सफाई भी उसी पानी से करेंगे, ये भी बात बिल्कुल सही है। लेकिन इसके बाद भी हम उसकी स्वच्छता पर, जिस घाट में हम नहा रहे हैं, वहाँ पर जो कचरा बहा रहे हैं, इस पर पूरा यदि हमारा समर्पण हो जाएगा तो निश्चित रूप से सरकारें जो संदेश देना चाह रही हैं, हम लोग जो कहीं ना कहीं सबको शुद्ध जल तो चाहिए ना, तो वो जब हमको मिल जाएगा। सरकार स्वच्छता को लेकर तरह तरह के अभियान और योजनाएं चला रही है ताकि गांव से लेकर महानगरों तक स्वच्छता नजर आए। स्वच्छता अभियान के तहत 1 अक्टूबर को सरकार के द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा संपूर्ण भारत देश में चलाया जा रहा है, जिसमें रोज 1 घंटे के लिए जनता से श्रमदान की अपील की जा रही है। कटनी जिले के बड़वारा इलाके में रहने वाले त्यागी महाराज ये कार्य प्रतिदिन कई वर्षों से करते चले आ रहे हैं। वहीं पितृपक्ष के प्रथम दिन विलायत खुर्द ग्राम की छोटी महानदी में पूजन करने पहुंचे स्वर्ग नगरी तीर्थधाम विलायत कला समिति के संस्थापक त्यागी महाराज ने स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम को सरकार की अच्छी पहल बताते हुए कहा कि एक ही दिन नहीं बल्कि हर रोज प्रत्येक व्यक्ति को अपने आसपास श्रमदान करना चाहिए, विशेषकर उन स्थानों पर जिसे प्रकृति ने स्थापित किया है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को नदियों में हर रोज साफ सफाई करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य की किरणें, नदी वायु ये प्रकृति की अनमोल धरोहर हैं और इन्हीं की वजह से हर धर्म, हर जाति का प्रत्येक व्यक्ति संसार में जीवित है। देखिए, चूंकि प्रयास सरकार का है अगर, तो जगाने का प्रयास, ये बात बहुत अच्छी है, लेकिन एक दिन में कुछ नहीं होगा, ये सरकार को भी जानना पड़ेगा। और सरकार कौन है? सरकार हम आप ही हैं। इस बात को हमको समझना पड़ेगा कि चूंकि हमारी नदियाँ, पेड़, पहाड़, ठीक है ना, जंगल, धरती माता, ये सब कभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं रखते हैं, है ना, ये सबके लिए बराबर जो है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो। जिस तरह से माता पिता के लिए अपनी संतान एक सी होती है, उसी तरीके से हमारी नदियाँ सबके लिए बराबर समर्पण के साथ में वही स्वाद देती हैं, वही ऊर्जा देती हैं। तो अगर प्रयास तो बहुत अच्छा है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, लेकिन एक दिन में काम नहीं चलेगा। और हमारी हर नदियां गंगा हैं, इस बात को हम समझ जाएं तो हर नदियों की रोज़ पूजा होगी। हमको नहाना तो उसी पानी से पड़ेगा, बिल्कुल सही है, हम सफाई भी उसी पानी से करेंगे, ये भी बात बिल्कुल सही है। लेकिन इसके बाद भी हम उसकी स्वच्छता पर, जिस घाट में हम नहा रहे हैं, वहाँ पर जो कचरा बहा रहे हैं, इस पर पूरा यदि हमारा समर्पण हो जाएगा तो निश्चित रूप से सरकारें जो संदेश देना चाह रही हैं, हम लोग जो कहीं ना कहीं सबको शुद्ध जल तो चाहिए ना, तो वो जब हमको मिल जाएगा, और हमारे ही, हमारे मतलब हम सबके प्रयास से, तो स्वच्छता पखवाड़ा है जो भी है, तो ये सरकारों को धन्यवाद भी देंगे अपन, लेकिन बार बार उनको ये भी अपन चाहेंगे कि सरकारें इस पर थोड़ा जोर दें, और सरकारों के जोर के बाद हम जो जनता है वो भी इसमें जोर दें कि सूर्य की किरणें, है ना, धरती माता जब अनाज उगाती है तो ये नहीं कहती कि ये कौन खाएगा, है ना, इसको छोटी जात वाला खाएगा कि बड़ी जात वाला खाएगा। अनाज उगाता है कोई व्यक्ति, उसको सब लोग खाते हैं। जल की धारा आ रही ऊपर से नीचे तक, कोई नहा रहा है, कोई उसी में जो है मैला बहा रहा है, लेकिन उसको सब लोग पी रहे हैं। गंगा देखिए आज भी पवित्र है, तो आज हम अपनी महानदी मैया का पूजन करते हैं, निरंतर पूजन करते हैं। और जैसा आपने स्वच्छता पर सवाल किया, तो आपका चिंतन बहुत अच्छा है, और आपके माध्यम से लोगों तक ये संदेश जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये हम सबकी जीत है, ऐसा जो है।
कटनी जिले के बड़वारा तहसील अंतर्गत कर्म योगी पुत्र त्यागी महाराज ने साफ सफाई कर 74 तीर्थों के जल के साथ महानदी की पूजन किया। यहां पर श्री त्यागी महाराज ने विलायत खुर्द ग्राम में श्री श्रमदान करते हुए नदी से गंदगी बाहर निकाली। दरअसल विलायत कलाग्राम में स्थित ज्ञान तीर्थ स्वर्ग धाम आश्रम के विश्व सेवा समिति के संस्थापक त्यागी महाराज पिछले कई वर्षों से बिना किसी स्वार्थ भावना के समाज के भीतर प्लास्टिक का उपयोग एवं महानदी का पूजन साफ सफाई करने का कार्य निरंतर करते आ रहे हैं। इस अवसर पर श्री त्यागी महाराज ने कहा कि पर्यावरण को संरक्षण देने के लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जिम्मेदारी के साथ कार्य करना होगा, तब जाकर एक मजबूत समाज और राष्ट्र का निर्माण होगा। व्यक्ति शुरुआत कोई करने वाला हो यदि, तो सब कुछ संभव है। तो उसी क्रम में कहीं ना कहीं प्रकृति ने हमको इसके लिए आगे रखा और लगभग 3 वर्ष से ये कार्य निरंतर चल रहा है। महानदी मैया की सफाई का कार्य, हम जब भी आते हैं हमसे जो भी चाहे, हम 2 पन्नी बीने 4 पन्नी बीने जितना भी हमसे बनता हम करते हैं, लेकिन उसका आपको जो परिणाम बताए हैं कि हमको देख करके 2 फायदे हो रहे हैं। पहला ये कि लोग गंदा नहीं करते हैं कि बाबा जी कचरा बीनते हैं इसलिए गंदा मत करो। दूसरा ये कि और लोग भी आकर के सफाई करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये लाभ मिला। दूसरा, हम अपनी नदियों को जब पूजते हैं, जिसकी भी हम पूजा करते हैं, तो उसके प्रति हमारा भाव पवित्र होते जाता है। ब्रेक का स्वागत है आप सभी का। खबरों में बढ़ते आगे, अगली खबर आपको बता रही है जहां बड़वारा में इन दिनों समाज के साथ साथ नदियों जैसे संसाधन प्लास्टिक और जहरीली वस्तुओं से घिरे हुए हैं, जिस पर जिम्मेदार सरकार सिर्फ कागजातों पर ही काम करती नजर आ रही है। ऐसी स्थिति में विलायक कला गांव में स्थित ज्ञान तीर्थ स्वर्ग धाम आश्रम के विश्व समिति के संस्थापक त्यागी महाराज बिना स्वार्थ भावना के महानदी की साफ सफाई कर पूजा करते हैं, जहां रोजाना की तरह आज भी त्यागी महाराज विलायत खुर्द ग्राम की महानदी में श्रमदान करने के बाद 74 तीर्थ के जल के साथ पूजा अर्चना की। वहीं इस दौरान त्यागी महाराज ने बताया कि भगवान ने हमें हवा पानी धरती के रूप में एक बड़ा उपहार दिया है और आज समाज प्रकृति के दिए हुए तोहफे के साथ खिलवाड़ करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। व्यक्ति शुरुआत कोई करने वाला हो यदि, तो सब कुछ संभव है। तो उसी क्रम में कहीं ना कहीं प्रकृति ने हमको इसके लिए आगे रखा और लगभग 3 वर्ष से ये कार्य निरंतर चल रहा है। महानदी मैया की सफाई का कार्य, हम जब भी आते हैं हमसे जो भी चाहे, हम 2 पन्नी बीने 4 पन्नी बीने जितना भी हमसे बनता हम करते हैं, लेकिन उसका आपको जो परिणाम बताएं हम, कि हमको देख करके 2 फायदे हो रहे हैं। पहला ये कि लोग गंदा नहीं करते हैं कि बाबा जी कचरा बीनते हैं इसलिए गंदा मत करो। दूसरा ये कि और लोग भी आकर के सफाई करते हैं। इन दिनों समाज के साथ साथ नदियों जैसे संसाधन भी प्लास्टिक और जहरीले वस्तुओं के कारण प्रदूषित हो रहे हैं। विश्व कल्याण और राष्ट्र हित की भावना रखने वाले एक ऐसे ही त्यागी पुरुष ने नदियों की सफाई के लिए एक संदेश दिया है। कटनी जिले के बड़वारा तहसील अंतर्गत आने वाले बिलायत कला ग्राम में स्थित ज्ञान तीर्थ स्वर्ग धाम आश्रम के विश्व सेवा समिति के संस्थापक त्यागी महाराज साफ सफाई करने पहुंचे। उन्होंने महानदी का पूजन किया। 74 तीर्थों से लाए गए जल से नदी का पूजन अर्चन करने के बाद इस नदी को साफ स्वच्छ रखने की बात कही। व्यक्ति शुरुआत कोई करने वाला हो यदि, तो सब कुछ संभव है। तो उसी क्रम में कहीं ना कहीं प्रकृति ने हमको इसके लिए आगे रखा और लगभग 3 वर्ष से ये कार्य निरंतर चल रहा है। महानदी मैया की सफाई का कार्य, हम जब भी आते हैं हमसे जो भी चाहे, हम 2 पन्नी बीने 4 पन्नी बीने जितना भी हमसे बनता हम करते हैं, लेकिन उसका आपको जो परिणाम बताएं हम, कि हमको देख करके 2 फायदे हो रहे हैं। पहला ये कि लोग गंदा नहीं करते हैं कि बाबा जी कचरा बीनते हैं इसलिए गंदा मत करो। दूसरा ये कि और लोग भी आकर के सफाई करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये लाभ मिला। दूसरा, हम अपनी नदियों को जब पूजते हैं, जिसकी भी हम पूजा करते हैं, तो उसके प्रति हमारा भाव पवित्र होते जाता है। तो जब हमको लोग पूजा करते हुए देखते हैं कि बाबा जी महानदी मैया की पूजा कर रहे हैं,
हम छोटी विलायत में जैसे महानदी मैया के दर्शन के लिए प्रवेश करते हैं, शंख हमारा बजता है, तो पूरे गांव के लोग उत्साहित हो जाते हैं कि बाबा जी आ गए, अब महानदी मैया का आज पूजन होगा। तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए प्रेरणा भी जागती है और हम तो अपना काम कर ही रहे हैं, तो इस तरीके से जो है ये प्रयास निरंतर जारी है और जब तक ये सांस चलेगी, जब तक ये शरीर चलेगा, तब तक ये हमेशा जारी रहेगा।